इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से सवे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 3 अगस्त को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने किया। सवे पर लगी रोक 3 अगस्त तक बरकरार रहेगी। ज्ञानवापी परिसर में सवे के खिलाफ आज मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इस बात को फिर दोहराया कि यह सवे नुकसानदायक है और इससे स्ट्रक्चर में तोड़फोड़ होगी। अपने इस कथन के समर्थन में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि टीम कोर्ट के आदेश के बाद संबल व फावड़ा लेकर परिसर में पहुंच गई थी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दोहराया, राम जन्मभूमि मामले में एएसआई को सवे की अनुमति मिली थी। इस पर मुस्लिम पक्षकार ने कहा, राम मंदिर मामले में साक्ष्य प्रक्रिया के बाद अनुमति दी गई थी। ज्ञानवापी मामले में ये सब असामयिक हो रहा है। उधर अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी ने बताया कि एएसआई की स्थापना 1871 में हुई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जीपीआर सवे ही करेंगे, खोदाई नहीं करेंगे, सवे में इमारत को खरोंच तक नहीं आएगी। यूपी के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि तत्काल सवे शुरू होता है तो हमें अतिरिक्त सुरक्षा बल की जरूरत होगी। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने भी सरकार की तरफ से अपनी बात रखी तथा वाराणसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। तब तक के लिए सर्वे पे रोक है। इस फैसले को जो अमिता इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच है वो 3 अगस्त को सुनाएगी और तब तक के लिए सर्वे पे रोक लगाई गई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस सर्वे जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन थी जजमेंट रिजर्व कर ली है। और आपकी सबसे बड़ी दलील क्या थी? देखिए, हमारी सबसे बड़ी दलील ये कॉल है वो हिंदू मंदिर वाले हैं और जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान 6, 7 मई और 14 मई और 16 मई को चीजें हमें मिली वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी जारी हो सकता है इसके लिए केस लॉज भी रिलाई। कमीशन की मांग की बात आई, हमने ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति आपसे कितने सहमत थे? ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशन कर सकता हूँ, सहमत है क्या सहमत है। एएसआई का रुख क्या था? एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। फोटो दिखाएगी कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एग्रीमेंटरी वैल्यू नहीं है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना था? मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त। राम मंदिर मामले का भी हवाला दिया, राम मंदिर मामले का भी हवाला दिया। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि सिविल वाद की पोषणीयता का बिंदु तय होना जरूरी है। पोषणीयता के विधिक बिंदु तय किए बिना सर्वेक्षण गलत है। बताया कि पोषणीयता का वाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबित है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा मामले का जल्द निस्तारण होना चाहिए। हिंदू पक्ष की मुख्य वादिनी राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने बहस शुरू की। कोर्ट ने उन्हें हिंदी में ही बहस करने को कहा। कोर्ट ने पूछा आप चाहते क्या हैं? इस पर उन्होंने कहा कि सवे हो। सौरभ तिवारी ने अपने दावे के समर्थन में तस्वीर पेश किया। कोर्ट ने तस्वीर देखने से इनकार कर दिया और कहा कि साक्ष्यों को सही समय और सही फोरम पर दिखाएं। मुस्लिम पक्षकार के वकील ने कहा धारा 3 के मुताबिक पूजा स्थल के नेचर में बदलाव नहीं किया जा सकता, न ही कोई अपील और वाद होगा। पहले से लंबित सभी मामले अगस्त 1947 से निस्तारित समझा जाए। हिंदू पक्ष के वकील ने दोहराया कि एएसआई को राम जन्मभूमि मामले में सवे की अनुमति मिली थी। मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि राम मंदिर मामले में साक्ष्य प्रक्रिया के बाद अनुमति दी गई थी।
ज्ञानवापी मामले में ये सब असामयिक हो रहा है।